उस पे फ्लैप पे सेंटर वाले सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा कि आपका जो जुड़ाव है इस प्रोजेक्ट से किस तरह से जुड़ाव है और जो डायरेक्शन है इस प्रोजेक्ट के सुनील सर के बारे में। और प्रोजेक्ट भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, ये एवरेज प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? आप शुरू करेंगे या मैं? अच्छा, आप मुझसे पूछो। ठीक तो जी, नमस्ते, मेरा नाम इशिका जैन है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक है, बिकॉज ऐसा वर्ल्ड में अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ गया है। तो इसके चलते मैं जिस तरह सर से मिली और जैसे हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई और सब उन्होंने जब बताया इसके बारे में, तो काफ़ी यूनिक ये प्रोजेक्ट है। इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बिकॉज ये ना तो हॉलीवुड में हुआ है अभी तक, ना ही बॉलीवुड में हुआ है, और हम इसके साथ जुड़े हैं तो वी फील रियली ब्लेस्ड। और सर, योर इंट्रोडक्शन एंड आपका जो एसोसिएशन है और सुनील सर के बारे में जो डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना अलग मानते हैं स्पिरिट को और क्या अलग है और क्या यूएसपी मानते हैं स्पिरिट? सर नमस्कार, मेरा नाम अक्षय सोनटक्के है। इस फिल्म में मैं रंजाबुक कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि भैराज जो लीड है, विलन जो कर रहे हैं अभिजीत भैया, उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और जो किरबेता है एक जो मेरी है, वो मेरी सिस्टर बनी हुई है। फिल्म के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड में, जैसा कि मैम ने कहा, वर्ल्ड में सबसे पहली फिल्म बन रही है, ये एनिमेशन फिल्म बन रही है एक्टर्स को लेके। तो आप इस फिल्म को अगर देखेंगे तो मैं बिल्कुल ये बता नहीं सकता कि मैं शूट जो कर रहा हूँ वो कितना बेहतरीन शूट कर रहा हूँ। और सुनील सर की क्या बात है, वैसे मैं सुनील सर के साथ ये पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा है इन पिछले इन सारे शूट्स में, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं। और सर के बारे में मैं जितना बोलूं, जितनी तारीफ करूं, उतनी कम है, क्योंकि आप उनसे जब मिलेंगे, जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा, तो आप खुद ये बात बोलेंगे। मैं तो क्या ही बोल सकता हूं उनके बारे में, और सर का एक्सपीरियंस, सर इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। सबसे पहले ये इतने मतलब अच्छे डायरेक्टर और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने जो लेके आया है इस फिल्म का, जो उन्होंने हम लोग का जो कैरेक्टर बिल्ड किया है वो प्लस ईच एंड एवरीथिंग। आप हीरो ले लें, आप विलन्स ले लें, मैं विलन पार्ट में हूँ और हीरो पार्ट में हमारे अपूर्व भी हैं, तो आप जब उनका इंटरव्यू करेंगे तो वो भी कुछ आपको अच्छा ही अच्छा बताएंगे। ये तो है, और ये कॉन्सेप्ट तो खैर जैसा कि सबने कहा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आप जब ये स्क्रीन पे आएगा तब आप देखिएगा। प्रोफेशनल बैकग्राउंड एज एन एक्ट्रेस, क्या वर्क किया आपने, हाउ हैव बीन द स्ट्रगल फेज, और अभी तक जो किया प्रोजेक्ट्स क्या हाईलाइट कीजिए और फ्यूचर में क्या करने वाली हैं इसके अंदर बताइए। जी देखिए, स्ट्रगल तो नेवर एंडिंग था, काफ़ी लंबे समय तक चला। आई थिंक आई गेस अराउंड 4.5 years। और ऐसा होता है कि आपको अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, और जब आप इस सेट पे आते हैं आपको लगता ही नहीं है कि आप काम करने आ रहे हैं। सब एक परिवार जैसा है, पूरी टीम, सब लोग इतने अच्छे हैं, और सब सर ने चूज़ किए हुए हैं, तो सर खुद जैसे हैं वो बिल्कुल वैसे ही सारे, चाहे एक्टर्स हो, चाहे असिस्टेंट्स हो, चाहे कोई भी, हम किसी भी टीम में से किसी को भी लिए तो। और रही बात मेरे स्ट्रगल की, तो मुझे फाइनली जो अच्छे लोग जो कहते हैं, जो मुझे मिल गए हैं, मेरे जो मेंटोर हैं सुनील सर हैं, सुनील सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो एक ही चीज़ नहीं कर सकते, वो सारी ही चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डायरेक्शन ही कर रहे हैं, वो हर चीज़ करते हैं, वो हमें समझाने से लेके छोटी टेक्निकलिटीज से लेके, उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं हो या उन्हें ना पता, वो हर चीज़ वो बहुत ही बखूबी से करते हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये बहुत यूनिक है, लाइव एनिमेशन करना, पूरा का पूरा शूट क्रोमा पे करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हैट्स ऑफ टू सुनील सर, एंड वी फील रियली ब्लेस्ड दैट यू नो वर अ पार्ट ऑफ दिस। सर वैसे तो इसके पहले मैंने काम किया हुआ है इंडस्ट्री में, सीरियल में सीरियल्स किए हुए हैं, एड फिल्म किया हुआ है, और ये फिल्म मेरी पहली है, फिल्म पहली है। वेब सीरीज़ की हुई है इसके पहले, स्कैम 1992 आपने देखा होगा, वो किया हुआ है मेरा। बूट पे अभी चल रहा है इलीगल सीजन 2, वो किया हुआ है मेरा। और स्ट्रगल तो काफ़ी लंबा चला है, स्ट्रगल के बारे में क्या ही बोल सकता है, इवन तो अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं। सुनील सर मिलने से ये हुआ है कि हम लोग एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं। सुनील सर का हाथ लगने से मतलब ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रगल का एक पार्ट ख़त्म हो गया हम लोग की लाइफ में से,
जो पहले था कि नहीं इधर जाना है ऑडिशन से देना है ये देना है वो देना है, वो एक पार्ट जो है वो स्किप हो गया है। सुनील सर इज़ अ वेरी गुड गाय और सर तो कहीं बोले कैसे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।